वेलकम टू आरएस ट्यूटोरियल। आज हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है कैटल तथा हॉर्न का तरल मोजक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक नाम से ही स्पष्ट होता है कि रेमंड कैटल तथा जॉन हॉर्न हैं। इसके अनुसार उन्होंने स्पीयरमैन के सामान्य बुद्धि, जो उसमें जी फैक्टर था, उनके सामान्य बुद्धि में जी फैक्टर था, उसके इन्होंने भिन्न बताया और उसके उन्होंने दो प्रकार बताए हैं। उनमें दो प्रकार है, तरल बुद्धि जिसको हम फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं और उसको हम जीएफ भी बोल सकते हैं, और ठोस बुद्धि जिसको हम मोजक बोलते हैं, उसको क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यानी कि जीसी बोल सकते हैं। हम दोनों ही नाम से इनको जानते हैं, ठोस तथा मोजक, जो भी आए वो दोनों ही सही है। तो इस हिसाब से इस मॉडल का नाम हो गया जीसीजीएफ मॉडल। अगर तरल मोजक सिद्धांत दिया है तो भी हम उसी को ही समझेंगे, और जीसीजीएफ मॉडल दिया है तो भी हम इसी को समझेंगे। अब हम जानते हैं कि बुद्धि में तरल क्या होता है और ठोस क्या होता है। तो जो तरल बुद्धि होती है, तरल बुद्धि में व्यक्ति के सोचने तथा तर्क करने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात और वंशगत होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी हिसाब से जो उसके अंदर रहती है वंशगत क्षमताएं रहती है, उसी हिसाब से वो सोचता है और तर्क भी करता है। इसमें कोई भी व्यक्तिगत अनुभूति काम में नहीं आती है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की प्रभावशीलता रहती है। अमूर्त सोचने की क्षमता होती है। अमूर्त सोचने की क्षमता मतलब हमारे सामने जो नहीं दिखाई दे रहा हम उसको भी सोच सकते हैं, तार्किक रूप से चिंतन कर सकते हैं, और ये हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में सूचनाओं को मैनेज करने की क्षमता रखता है। लघु स्मृति में सूचनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता रखता है। इसमें ये जो इसकी दिक्कत है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी गति जो होती है इसमें धीमे, ये कम होने लगता है, इसकी गति मंद होने लगती है, इसमें कमी आने लगती है। अब हम जानेंगे कि ठोस बुद्धि क्या होती है। ठोस बुद्धि को हम अर्जित ज्ञान यानी कि एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये हमें अनुभव से प्राप्त होती है। तरल बुद्धि जन्मजात होती थी और ये हमें अनुभव से प्राप्त होती है, इसीलिए हम इसको एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं। ये इसमें दीर्घकालीन स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें स्थिरता और बढ़त भी होती है, क्योंकि हम जब अनुभव को, एक जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अनुभव बढ़ते हैं और उसी प्रकार से हमारी ये जो बुद्धि है वो बढ़ती जाती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट करने लायक चीज़ है कि व्यक्ति की कितनी तेजी से कोई सूचना का विश्लेषण कर सकता है, मानी कि कोई भी सूचना कैसे भी एनालिटिकली वो सोच रहा है, ये उसकी तरल बुद्धि पे यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस का परिणाम होता है। परंतु वो उसको सोचने के बाद उसको व्यक्त करने के लिए उसके पास कितने शब्द हैं, कितना उन शब्दों को वो कैप को कितना यूज़ कर पा रहा है, उसको हम ठोस बुद्धि में लेते हैं यानी कि क्रिस्टलाइज बुद्धि में। जो हम अपना विश्लेषण करते हैं, अंदर ही मन में सोचते हैं, वो हमारी तरल बुद्धि है, और उसको व्यक्त करने के लिए जो हम शब्दों का चयन करते हैं, जो हम बाहर बोलते हैं, वो हमारी ठोस बुद्धि के अंतर्गत आता है। यही इसका मेन डिफरेंस है। अब हम इसमें ध्यान देंगे कि पूरे जीवन काल में व्यक्ति तरल बुद्धि का उपयोग करते हुए ठोस बुद्धि के उपयोग की ओर बढ़ता है। जन्मजात बुद्धि होती है, फिर हम धीरे धीरे नॉलेज एक्वायर करते हैं, इसलिए हमारी ठोस बुद्धि बढ़ती जाती है। अब हम इसके शिक्षा में उपयोगिता को जानेंगे। शिक्षकों को बालकों को ऐसा माहौल देना चाहिए कि वो तरल बुद्धि को मजबूत कर सकें। किशोर छात्रों को कक्षा से बाहर ले जा कर के और कार्य देने चाहिए, जिससे कि उनकी ठोस बुद्धि अधिक से अधिक मजबूत हो, इससे वो समाज में सर्वाइव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।